शांति 4/11/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे पावन वन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न, पिताव्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, आशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत, मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वपरिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि